प्रदेश की योगी सरकार बच्चों को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है और अपने सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन जालौन का एक ऐसा स्कूल भी है जहां खुले आसमान में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यह स्कूल कोच नगर का प्राथमिक विद्यालय कस्तूरबा है और जब मीडिया टीम इस स्कूल में पहुंची तो वहां का नज़ारा अन्य स्कूलों से बिल्कुल अलग था। छोटे छोटे बच्चे पेड़ के नीचे अपना बस्ता किताब लिए बैठे थे और उनके शिक्षक भी खुले में पढ़ा रहे थे और मिड डे मील भी खुले में ही बन रहा था। वहीं पास में ही स्कूल की बिल्डिंग थी लेकिन वो अब पूर्ण रूप से जर्जर हो गई है। इस विद्यालय में बच्चों के लिए शौचालय भी नहीं है जिससे खुले में शौच जाने को बच्चे मजबूर हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य विनय बाथम ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में है, इसलिए हम अपने छात्रों को खुले में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को बिल्डिंग में नहीं बैठा सकते। पता नहीं कब कोई हादसा हो जाए और ये पढ़ाई पूरे साल खुले आसमान के नीचे ही होती है। बारिश के मौसम में जब तेज बारिश होती है तो बच्चों की छुट्टी भी कर दी जाती है और विद्यालय के अभिलेख भी बिल्डिंग में रखने के लिए जगह नहीं है। प्रधानाचार्य स्कूल के अभिलेख अपने साथ घर ले जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जर्जर स्कूल की सूचना कई बार लिखित रूप से अधिकारियों को दी जा चुकी है लेकिन कभी कोई अधिकारी इसको देखने के लिए नहीं आया। पता नहीं अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। जब यहाँ पढ़ रहे मासूम बच्चों से हमने बात की तो उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से बताया कि हमारा स्कूल पूरा टूटा हुआ है, इसीलिए हम खुले में पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इन सरकारी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। इनके सपने बहुत ऊंचे हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। इन बच्चों को पूरा अधिकार है वो पढ़ लिख कर इंजीनियर और डॉक्टर बने। अब इन बच्चों को कौन बताए कि प्रदेश की सरकार इनके लिए कितनी गंभीर है। सवाल जिले के उन अधिकारियों से भी है कि इन मासूमों को खुले आसमान में पढ़ता देख रहे हैं, फिर आखिरकार बिल्डिंग का निर्माण क्यों नहीं करवाते? क्या अधिकारी किसी हादसे के इंतजार में हैं? अगर कोई घटना हो जाए तो इन मासूमों की जिंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? कितने क्लास में पढ़ते हो? तीन में। हाँ। कहाँ पढ़ रहे हो अभी आप? पेड़ की तरह। पेड़ के नीचे? दिक्कत नहीं होती आपको पेड़ के नीचे? होती है। कमरे में क्यों नहीं पढ़ रहे हो अंदर? कमरे में पुरानी है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, हादसा हो सकता है। आप यहाँ पेड़ के नीचे पढ़ रहे हो, ये पेड़ भी गिर सकता है, ऐसे ही हादसा हो सकता है, हो सकता है। हाँ। बरसात होती होगी, क्या दिक्कत होती है आपको? पानी का मौसम चल रहा है, किताब भींग जाती है सब लोग की और भींग जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। टीचर से कहा नहीं आपने? कहा था, टीचर कह रहे थे कि होगा लेकिन तारी नहीं सुना है। अभी कुछ नहीं हुआ है। समीर कितने क्लास में पढ़ रहे? पाँच। आप पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं? ये कभी बिल्डिंग गिर सकती है, पुरानी है। नहीं, कमरे में नहीं पढ़ते? नहीं, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग गिर भी सकती है, कभी हादसा हो सकता है। टूटी है बिल्डिंग? हाँ। तो आप किसके नीचे पढ़ रहे हैं अभी? पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। खुले में? हाँ। तो बरसात हो जाती होगी, फिर आप कैसे पढ़ पाते हो? बहुत दिक्कत होती है, काफी किताबें भींग जाती है। तो आपने टीचर से कहा? सर से किया था, सर जी ने कहा था होगा लेकिन कोई सुन नहीं रहा है सरकार। अच्छा, आगे जाके क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर। इंजीनियर। कितनी दिक्कत हो रही है आपको यहाँ? बहुत दिक्कत होती है, पानी बरस जाता है पूरे सबको, सब भींग जाते हैं, सबकी कॉपी हो जाती है खराब। अंजिले। कितने क्लास पढ़ रहे? चार की। आप अभी आप कहाँ पढ़ रही हैं? पेड़ की तरह। अंदर कमरे में क्यों नहीं पढ़ते? वो कमरा टूटा है, वो कभी भी गिर सकता है। एक कमरा गिर गया था, बच गए थे बच्चे। कमरा गिर जाए तो क्या हो सकता है? हादसा। आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी? बहुत दिक्कत होती, पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, आप पानी बरसने लगता है, सर जी किताबें भींग जाती हैं। कि पेड़ भी गिर सकता है कभी? हाँ, पेड़ भी गिर सकता। किसी से कहा नहीं आपने? सबसे क्या है, कोई से नहीं रहा, अधिकारियों से कहे थे। टीचर से कहा? हाँ, टीचर से कहा था। कुछ नहीं हुआ अभी? नहीं। आगे आप क्या करना चाहती हो पढ़ लिख कर? टीचर बनने जाता। टीचर बनने जाता। मुस्कान। कितने क्लास में? चार में। क्या नाम है स्कूल का? पीएस पटेल नगर। तो आप किसके नीचे पढ़ रही हैं? पेड़ के नीचे। कमरे में क्यों नहीं पढ़ रही हैं? कमरा टूटा हुआ है। हादसा हो सकता है? हाँ। पेड़ के नीचे पढ़ रही थी, वो बरसात होती है, बरसात का मौसम, क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। कहानी की चीज़ें? टीचर से कहा?
हाँ कहा था। क्या हुआ बेटा? टीचर ने भी कुछ नहीं कहा। तो ये बरसात होती होगी, पेड़ के नीचे पेड़ भी गिर सकता है कभी ना? हाँ गिर सकता है। तो पानी भर जाएगा, फिर कैसे आप पढ़ाई करोगे? अब पता नहीं। किताबें भीग जाएंगी आपकी? हाँ किताब भीग जाती है हमारी, बैग भीग जाता है। आगे चलकर क्या करना चाहती हूँ, क्या बनना है? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। सिवा कितने क्लास में पढ़ती हो? तीन। अभी आप किसके नीचे पढ़ रही हो? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे? अंदर कमरे में क्यों नहीं पढ़ रही हो? ये बिल्डिंग गिरी है। गिरी है? तो हादसा हो सकता है कभी कोई ना? हादसा हो सकता है, पेड़ भी गिर सकता है। पेड़ भी गिर सकता है? तो कितनी दिक्कत हो रही है आपको? बहुत। जब पानी भर जाता है तो क्या दिक्कत होती है? भीग जाते होंगे हम लोग सभी लोग। हाँ। तो आपने किसी से कहा नहीं टीचर वगैरह से, हमें बाहर पढ़ रहे हैं अंदर कमरे में पढ़ाओ? सर से कहा था। क्या कहा था? सर ने कहा आप कोई सुन रहा है बातें? कौन सुन रहा है? आगे जाके क्या करना चाहती हो? आगे जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हो? हाँ उसमें देखिए ऐसा है कि नगर क्षेत्रों में फिलहाल आपको बता दूं कि नगर क्षेत्रों में भवन के लिए या बिल्डिंग निर्माण के लिए बहुत दिनों से कोई पैसा शासन द्वारा मंजूर नहीं किया जा रहा है। और जहां तक जर्जर भवनों की स्थितियों के बारे में मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे हमारे नगर क्षेत्र में जो विद्यालय हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। प्राइवेट बिल्डिंग्स में आप जानते हैं कि पुराना रेंट है, तो प्राइवेट बिल्डिंग में ना तो रेनोवेट हो पा रहे हैं ना उनकी मरम्मत हो पा रही, क्योंकि वो ओनर्स जो है उनको उस तरफ विशेष उनका रुझान नहीं रहता है कम किराया मिलने के कारण। लेकिन जो आपने बात उठाई बहुत अच्छी बात है कि आपने इस पर निगाह डाली, उसको लेकर के मैं बता दूँगा आपको कि प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई के महीने में ही ये आदेश जारी कर दिए गए थे कि बरसात के सीज़न में जो भी विद्यालय ऐसी भवनों में चल रहे हों जहाँ की कमज़ोर हैं या टपक रही हैं या गिरने की संभावना है, उनमें कदापि जो है विद्यालय न लगाए जाएं। इसी के क्रम में हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो बात आपने कही है ये कोंच के नगर क्षेत्र जो आपका पटेल नगर में जो विद्यालय चल रहा है वो बिल्डिंग वास्तव में जर्जर है, और उसको आज ही हमने वहाँ पर नगर शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि उसको बगल में बीआरसी भवन में या अन्यथा कहीं जो है उसको शिफ्ट कर दें, और आज वो शिफ्ट हो जाएगा। जी सर, प्राय नगर में देखे गए जितनी नगर क्षेत्रों में विद्यालय सभी जर्जर हैं सर। जी 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 जी, इनके लिए क्या कोई गवर्नमेंट को योजना है कि बच्चों के लिए सही समुचित साधन उपलब्ध हो सके? हाँ हाँ, इस बात पे देखिए क्या है कि चूँकि नगर क्षेत्रों में पब्लिक स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस कारण से जो है ना जन सामान्य को शिक्षा मुहैया हो रही है। लेकिन सरकार द्वारा भी चूँकि विद्यालयों के निर्माण में नगर क्षेत्र के लिए जो है जो आपके भवनों की बात है, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है कि हम चूँकि नगर क्षेत्र में ज़मीनें कम हो जा रही हैं तो मिल नहीं रही हम लोगों को, इसके क्रम में सरकार ने ये निर्णय लिया कि वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी, और अब वहाँ 1 से 5 तक का स्कूल नहीं चलेगा बल्कि 1 से 8 तक का एक ही स्कूल चलाया जाएगा। उसके लिए मल्टी स्टोरी भवनों के निर्माण की स्वीकृति मिल रही है, वो पैसा जैसे आएगा तो वो डबल मंजिल का भवन बनेगा। बनाया हुआ था। अच्छा आपका जो स्कूल है वो के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्या हाल है? बिल्डिंग जर्जर है, इस वजह से बच्चे बाहर पढ़ते हैं सब। टूटी फूटी है बिल्डिंग क्या? बिल्कुल टूटी है, कभी भी गिर सकती है। तो बच्चों को हादसा भी हो सकता है अगर अंदर पढ़ाए? जी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए तो बाहर पढ़ाते हैं हम। तो खुले में पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आप, पानी भर जाता होगा तो बच्चों को दिक्कत भी होती होगी? बहुत दिक्कत होती है। क्या होता है पानी? क्या बात है, चल रही। किताबें भीग जाती हैं बच्चों? सब किताबें भीग जाती है बच्चों की। जी हाँ, मैंने सभी अधिकारियों को लिखित सूचना भेज दी है। क्या कार्रवाई हुई अभी? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको कोई सुन नहीं रहा है अधिकारी ऐसा? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं सुनता। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।